कोटा विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम जारी करने और सप्लीमेंट्री परीक्षा का आगे बढ़ाने की मांग को लेकर के आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण भार्गव को ज्ञापन दिया। जिला महासचिव यश गौतम के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने परीक्षा नियंत्रक को छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया और समाधान की मांग की। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण भार्गव ने भी उनकी समस्या को सुनकर आश्वस्त किया है और किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होने देने की जो है बात कही है। छात्रों की लगातार एक समस्या आ रही थी, कहीं भी देखो तो हर साल यूनिवर्सिटी की लापरवाही सामने आती है। लापरवाही ये होती है कि रेवोल्यूशन में रीचेकिंग के जो फॉर्म थे वो यूनिवर्सिटी द्वारा भरवा लिए गए, उनका परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया। जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आती है वो रेवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं, और अभी 29 तारीख लास्ट डेट है आपके सप्लीमेंट्री की, अभी तक परिणाम रेवोल्यूशन का जारी नहीं किया गया। जब तक रेवोल्यूशन का परिणाम जारी नहीं होगा तब तक बच्चा असमंजस में है कि जिसके लिए उसने भरा था फॉर्म, जिसके लिए भरा था सप्लीमेंट्री के लिए, वो सप्लीमेंट्री में वो पास हुआ या फेल हुआ अब तक वो इसको पता है ही नहीं कि वो पास है या फेल, वो सप्लीमेंट्री भरेगा कैसे। विद्यार्थियों को समझा दिया कि आपको फॉर्म भरना है और स्पीच पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट भी पैरेलल जारी किए जाते रहे, दो तीन कक्षाओं के जारी कर दिए, कुछ कक्षाओं के बाकी जल्दी जारी कर देंगे। यदि परिणाम से किसी विद्यार्थी को बेनिफिट होता है तो उनके लिए जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।